तो उंगली तो हम लोग करेंगे ना, अपनी औकात नहीं दिखाई अपने, अपना काम भी तो है उंगली का ना। ऐसे बस मोदी में क्रिटिसाइज करने वाले जैसे मोदी है। टाटा भाई रिकॉर्डिंग बोलना भूल क्यों गया तुम आजकल? अच्छा, स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर फिर से एक बार, जहां आप देखने मिलती है खूब सारी रोस्टिंग, थोड़ा बहुत रुपये और बहुत सारी बकचोदी विदाउट एनी एड ब्रेक्स। तो बिना रुकावट के मनोरंजन के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियो यूं ही मोस्ट कंट्रोवर्शियल चैनल पर, और दिखाते रहे अपना प्यार कमेंट्स में। भाई आज हम लोग अपने भाइयों के लिए क्या लाए हैं? चला आज हम लोग लाए हैं कलम की इंक को बहाने सेनोरिटा। ओहो माय गुडनेस सेनोरिटा, इसने गर्मी में विंटर मेलोडीज निकाली हैं। ओ यहीं से इसका मेरे को समझ में आएगा कि इसने हक दिया है गाने में, बाकी सुन के देखते हैं। वैसे जरूरत तो है विंटर मेलोडीज की इस समय, लेकिन सुनते हैं। स्टार्ट करें? यस यस। एक्सएस मैक्स निकालती हो? एक्सएस मैक्स निकाल रहे हो और खर्चे उसके बहुत हैं। एक हमारे पास भी एक्सएस मैक्स वाला, उसके खर्चे ही नहीं है। बताओ उसके खर्चे ही नहीं है। और अब तो खर्चे अगर ज्यादा होते तो वो ले लेती ना। सबसे लेटेस्ट क्या है? 15 प्रो मैक्स। तो ये भोसड़ी का बचपन में ही रह गया है क्या अभी तक? लिमिटेशंस भी तो बहुत सारी हैं। गरीबी से नहीं मारा गया, ये शब्दों से मारा जा रहा है माता चोर। कोई नहीं फ्रेंड, लेट्स प्ले। सीना बोनट कार ब्रोक लड़कियां आती रहती हैं। वो लाइक वो आती ना मीम में आया था, उसमें हाथ और वो छपे रहते हैं। तो वो यही करता है क्या जाके सबकी गाड़ियों पे बना देता है जाके? ये बनाता जाके तभी विंटर मेलोडीज। ओ नाइस यार, गुड है यार। मतलब मेरे को ये चीज जाननी है फिर से, मैं मतलब पहले भी हम लोगों ने वीडियोस में ये मुद्दा उठाया है कि तीन चार दोस्त वो सारे कमीने, मतलब ये कैसा ट्रेंड है कि दोस्तों को झाटू कमीना ये सबसे इंट्रोड्यूस कराने से ही तुम मतलब एक वैलिडिटी मिलेगी तुम्हें लोगों के बीच में कि हाँ भाई इसके दोस्त बहुत हरामी दोस्त हैं तो ये बहुत वैलिड इंसान है, अच्छे दोस्त हुए तो इनवैलिड इंसान हो जाएगा। ये मतलब क्या एक पोर्ट्रे करना चाहता है दुनिया के आगे? हर रैपर का यही चल रहा है सीन में देख रहा हूँ, और नॉर्मली भी, सिर्फ रैपर में नहीं, नॉर्मली भी लोग आपस में बात करते थे बहुत हरामी है यार वो, और उधर से वो प्रेस कर दिया भाई बहुत खुशी मिल गई मुझको ऐसा बोल दिया, तो ये क्या सीन है भाई इसका? पता नहीं भाई, ये आदमी जात का ही वो है डिफॉल्ट एरर। औरत जात का नहीं है ना, ये दोस्ती नहीं होते उनके, दोस्त नहीं होते, दोस्ती नहीं होते। और वो जिसको सो कॉल्ड फ्रेंड्स बोलती है वो तो तारीफ ही करती है ना। हम लोग यहाँ तो तारीफ से अपना, अगर अपना कोई लौंडा अगर अच्छा दोस्त है तो तारीफ तो हम कर ही नहीं सकते। तो हरामी भी क्यों ही बोल के ऐसा तारीफ नहीं कर सकते, तो मतलब उसको गिरा दो माता चोर सबके नजरों में। यही यही है प्यार, लौंडों का प्यार ही यही है। लेकिन ये कुछ और कहना चाह रहा है, हम लोग तो हरामी ऐसे बोल देते हैं। हाँ। ये लेकिन कुछ और कहना चाह रहा है, वैसा कहना चाह रहा है कि गांड फाड़ लौंडे हैं सब, उठा के पटक देते हैं। वो बोल रहा है ना कि दोस्त थे मतलब चले गए, धोखे निकल गए, गद्दारी कर रहे, गद्दारी वो वाले दोस्त।
ऐसे जब तक तुम सबको हरामी हरामी बताओगे सब छोड़ के चले जाएंगे ना भाई। बात तो ठीक है, इंसान के पास काम है ये थोड़ी तुम्हारा चाटते फिरे, तुम अपना लेके लिया तो सो करने, वो इंसान क्या करेगा, वो अपने काम में बिजी है, उनको लगता है इसको लगता होगा कि जब फोन कर दिया तब आ जाओ। हाँ भाई खड़े पे तो कोई खड़ा नहीं रहता ना यार, खड़े पे बैठते ही हैं यार, तो मैं खड़ा रहता है लंड है क्या भाई। तो चलो देखते हैं। बीट वाला शायर कलमिंक, कोई कुछ नहीं बोलना चाहता, स्पीचलेस कर दिया क्या इसने? माइक तब से बोले तो कौन स्टार्ट करेगा? उधर से स्टार्ट होता है। अभी हाल ही में मैंने एक स्टोरी देखा था, उस स्टोरी में ये हुआ था कि जो बाबू भैया है वो नॉर्मल अपना व्लॉगिंग व्लॉगिंग छोड़ रहा है, किसी और बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। हाँ। तो अब उस पर वो काम स्टार्ट करेगा, नॉर्मल वीडियोस मतलब व्लॉग बनाना उसका लास्ट था वो। अच्छा। भले उसी से रिलेटेड कुछ चीज वो कर रहा हो बट ये नॉर्मल व्लॉगिंग उसकी लास्ट थी। ओके। तो मैं चाहता हूँ कि कलम इंक का भी ये गाना आखिरी हो, लास्ट गाना ये मात्र, जो इसके बाद कहीं भोसड़ी का लैट्रिन बाथरूम साफ कर ले, इज्जत की जिंदगी जिएगा। ऐसे तो भाई तुम हमसे गाली सुनते रहोगे बार बार, तुम्हारे फैंस आके तुम्हारी वैलिडेशन दिखाने के चक्कर में हम लोगों से बहस करेंगे यहाँ पे, बट होने वाला कुछ नहीं है। एक गाने में तुम भोसड़ी के कहते हो कि तुमने इतना ज्यादा, जिसमें दोनों भाई ये आए थे वो उस गाने में पूरा फ्लेक्स किए हैं कि आजकल बुढ़िया सब्जी लेने भी जाती है इतनी महंगी कार में, और ये माल का लौड़ा आज कह रहा है कि पिज्जा नहीं खाएगा सूखी रोटी खा के जी लेगा। तो इतना दोगला आदमी अगर आदमी बनने को तैयार है सिर्फ गाने लिख लिख के, तो इससे अच्छा वो ये काम करना छोड़ दे। दोगला तो अभी इसी गाने में एक लड़की की पहले बुराई करी, फिर बाद में तारीफ कर रहा, फिर उसके बाद बहनचोद करना क्या चाहते हो? ये वो है ना, ये बिक गई है गवर्नमेंट वाले, ये गवर्नमेंट सबको पागल बना रहे हैं मारा चोट के बच्चे। तो भाई क्या कहोगे, तुमने कह तो दिया भाई साथ साथ। तुम्हें मौका चाहिए, मौका तो मिलता है सबको। देखो भाई ये है कि ये तो है ही है, साथ में गाना भी दोगला है। ये गाने पे मैं समझ नहीं पाया तू सेनोरिटा, ठीक है या तो सेनोरिटा को प्रेस कर या डिमीन कर, एक पॉइंट पे रहे ना, है ना। और तू अभी बता रहा है, उसको बता रहा है कि मैं सब कुछ ला के दूंगा, पहले कह रहा मैं अंबानी नहीं हूँ, अगर उसने कुछ मांग लिया, एक्सेस मैच चला रही है, ओनली 15 प्रो ला पाया तू, बातें बता रहा है। जैसे 15 प्रो मांगी तो पिज्जा नहीं खाना रोटी खाऊंगा तुरंत, साला पार्टी बदलता है। उस एक्सेस मैच उसने दिया, उसे केवल वहां पे वो बनवाना था ना चित्र गाड़ी बोनेट पे, बनवा लिया है उस तपेल दिया, फिर उसके बाद पेंटिंग पूरी हो गई, इसलिए वो कर रहा था ऐसी हरकतें। अब पिज्जा क्यों खाएगा भाई, गाड़ी उधार का था उसका पैसा कौन देगा जाके।
सड़कों पे आ गया ये लोग वापस। खैर कह रहा है जो भी तुम कहना चाह रहे थे तुम कह नहीं पाए। बात ये है दो समझ हम सब रहे थे, तुमने तारीफ भी की अपनी पढ़ाई भी की, तुमने ये भी कहा मम्मी को सोने की डायमंड दिलाई वो नेकलेस दिलाया। अब माँ जो कोई कोई आदमी या औरत सोना पहन के चल रही है हीरा विद हीरा विद हीरा तो हम उसको मतलब आंख मिला के देख नहीं सकते, गलती से आई कांटेक्ट हो गया तो ये आके गांड फाड़ देगा, बड़ा डेंजर आदमी बन रहा है ये तो गुंडा है नहीं लेकिन ये है नहीं तो ठीक है। तुमने जो कुछ बोला गाना ना थोड़ा सा बैठ नहीं रहा था, मतलब आगे पीछे का सेगमेंट एकदम बैठ ही नहीं रहा था, थोड़ा सा ठीक करो। और एक दो जगह मुझे ऐसा लगा कि ना इसकी राइम भी नहीं कर रही थी। हाँ, मैं वही चीज अभी प्रकाश डालने वाला था इस बात पे कि ऐसा लग रहा था कि नर्सरी का राइम है, नर्सरी का राइम भी इससे अच्छा राइम करता है माता कैट बैट बैट लैट। बीट को बीट ओके थी, मतलब ओके ओके थी, ओके नहीं तो वो ठीक था, बस जो तुम्हारी लिरिक्स थी थोड़ी मैच नहीं कर रही थी। थोड़ा अच्छा करो अच्छे से काम कर पाओगे। तो अभी कुछ बोलना चाहिए? मैं तो सीधा लंबड़ देके इसको बंद करोगे ना? हटाता हूँ। हाँ ठीक है, पॉइंट आउट करते हैं। मेरी तरफ से पॉइंट है 0.5। ओह माय गॉड, मतलब 0.5 आप कैसे जस्टिफाई करेंगे मुझे इस चीज पे? वो 0.5 मैं कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं बस निकाल दिया ना। चलो ठीक है, वैसे भी इसका भाई काम छोड़ ही रहा है तो सबसे डाउनेस्ट बनाना है क्या इसको? ठीक है तो मेरी तरफ से भी 0.25 ले लो। इसका आधा क्या होगा? इसका आधा मैं नहीं दूंगा, मैं इससे ज्यादा दूंगा, मैं दूंगा 0.75। डेढ़ नंबर लेके कैसा लग रहा है आज? बुरा हो गया ना इसके साथ तो बहुत ज्यादा। कोई नहीं, एक तो वीडियो भी नहीं थी तो उसमें एक आध पॉइंट ले लिया था। वीडियो होती तो और गिर जाता है ये माता। जिस हिसाब से गाना था इस हिसाब से कोई वीडियो बनी नहीं सकती माता, नहीं बन सकती है कि नहीं? अब वो बात अलग है, पेंटिंग वाली वीडियो दिखा देता प्रोसेस कैसे हुई है पेंटिंग वाली तो मजा आ जाता, पूरे नंबर देता मैं 5 में से 5। 5 में से 5 हाँ तो भाई 15 में तुमको कितने मिले? डेढ़ नंबर। लानत होती है ना एक, वो भी तुमको नहीं आएगी अब इतने कम नंबर पे। चलो ठीक है फिर, चलो भाई खत्म करते हैं। आखिरी में जाते हुए गाना के लायक ही नहीं भाई, छोड़ो हटाओ तुम फिर आओ। इसके अलावा इस गाने पे भी बताता जाता हूँ कि यहाँ या यहाँ कहीं पे हम लोग का व्लॉग का चैनल आ रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे कहीं तो आ रहा होगा इधर उधर कहीं, ठीक है उसको क्लिक करके देख लेना। अगर तुम्हारी थोड़ी सी और गांड जलानी होगी हम लोग कैसे एंजॉय करते हैं आपस में तो वो भी तुम लोग देख सकते हो वहाँ जाके। तब तक के लिए सायोनारा।